सो दोस्तों, जहाँ पे मैंने पहला एपिसोड छोड़ा था उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करूँगी। तो पायल, मैं आपसे पूछ रही थी कि जो पेमेंट मिलती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कोऑर्डिनेटर्स को, कास्टिंग वालों को, कमीशन, TDS, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कट जाती हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। एक्चुअली काम बहुत होता है एंड पेमेंट बहुत कम होता है उसमें। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर को दो, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू मतलब जो बीच में होता है कास्टिंग डायरेक्टर का, फिर नंबर मिलता है, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, फिर उसे भी देना पड़ता है, फिर हमारी जो पर्सनल टीम रहती है, फॉर एग्जांपल मेरे जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर आर्टिस्ट है, उन्हें भी पेमेंट देना पड़ता है, फिर बचा कुचा मुझे आता है। तो TDS को तो कट हो जाता है। TDS को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, मराठी मुलगी करके मेरा बहुत TDS कट करते हैं ये लोग। और उसके बाद कई बार अगर डबिंग के नाम पे रखा है तो वो भी खा जाता है, वो भी नहीं मिलता क्योंकि हम फिर बाद में बोलते हैं कि TDS का क्या हुआ, सर्टिफिकेट भी नहीं दिया आपने और TDS का इतना पेमेंट कट किया। फिर वो क्या करते हैं, वो आर्टिस्ट को डबिंग के लिए बुलाते नहीं, दूसरे को बुलाते हैं डबिंग के लिए, फिर उसको पेमेंट उसका दे देते हैं। ऐसे होता है, फिर बहुत सारा पेमेंट ऐसे ही हो जाता है, फिर कुछ बचा कुचा मिलता है बस। अब आप सोचो, एक तो देते वो बहुत कम है, मिल आता हाथ में और भी कम है, एंड देन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा मेकअप करे, बहुत अच्छा दिखे, बहुत अच्छा खाए भी। हाँ, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो पैसे, तो आर्टिस्ट कैसे करेगा यार। मुझे भी ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ, ऑडिशन के लिए जाती हूँ, तो कोई कोई प्रोड्यूसर ने ऐसे भी बोला है कि यू आर अ मॉडल एक्टर, फिर आप ऐसे क्यों रहते हो, ढके ढाके क्यों रहते हो, आपको मतलब उन्हें ये लगता है कि मुझे दिखाना चाहिए कि देखो मैं शॉर्ट पहन के आई हूँ तो मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे मतलब स्टाइलिश रहना चाहिए या फिर मेकअप करना चाहिए। मैं वैसे देखना चाहोगे कभी भी तो मैं ऐसे सिंपल ही रहती हूँ, ऐसे सिंपल ही जाती हूँ ऑडिशन के लिए, ताकि बाद में ना बोल सके कि ये तो बड़ी अच्छी दिख रही थी मेकअप के बाद, अभी मेकअप उतार गया तो ऐसी दिख रही है, तो ये मैं अपना बेइज्जती क्यों करके लूँ अपने खुद से। तो इसलिए मैं ऐसे कॉन्फिडेंसली जाती हूँ कहीं पे भी, सिंपली जाओ, ढक के जाओ, क्योंकि जो भी हमें शॉर्ट पहनना है या फिर जो भी कपड़े पहनना है वो ऑन स्क्रीन काम करो, ऑफ स्क्रीन किसी को दिखाना नहीं है कि मैं मॉडल हूँ, मैं एक्टर हूँ, मुझे मालूम है बस। करेक्ट, हाँ, तुमको मालूम है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्या जरूरत है किसी के सामने प्रूव करने का। गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है विद पायल। सो मेरी पायल से बात हुई एंड देन हम लोगों ने शो शुरू किया। सो जब पायल मुझसे मिलने आई, आई सॉ हर विदाउट मेकअप एंड स्टिल शी इज विदाउट मेकअप ऑल्सो शी लुक्स जस्ट वाओ, जो दिख रही है। मैंने कहा वाह यार, दिस इज हाउ शी कैरीज हर सेल्फ, इस लेवल पे उसका कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर लूंगी। तो मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं जो 24 घंटे मेकअप में रहती हैं, इवन वो शॉपिंग करने जा रही हैं तो भी वो मेकअप में, इवन सब्जी भाजी भी खरीदने जा रही हैं। और मैंने पायल को जब देखा कि शी हैज अ मीटिंग लाइंड अप, यहाँ से वो सीधा एक प्रोडक्शन हाउस से मिलने जाएगी विदाउट मेकअप, कैरिंग अ सिंपल कॉस्ट्यूम, बिलीव मी दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस कैरी करने के लिए ना जिगरा चाहिए। एंड पायल, यू हैव दैट, थैंक यू सो मच, वेलकम यार। अच्छा पायल, आपके बहुत सारे फैंस होंगे आई एम श्योर, और आप एक छोटे शहर से यहाँ तक पहुंची हैं, तो आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगी, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें क्या सीख देना चाहेंगी आप। बस कुछ नहीं कि बस मेहनत करो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, मेहनत करने की मतलब हिम्मत रखो कि मैं ये कर सकूंगी या फिर कर सकूंगा, खुद को एकदम मतलब एक बार ठान लिए कि हो गया फिर काम, किसी की मतलब कोई जरूरत नहीं, कोई आपको जज करे कि आप मतलब काले सांवले हो या फिर चबी हो, जैसे बहुत बार ऐसे भी होता है कि मुझे भी जज किया जाता है कि यू आर लुकिंग लाइक अ साउथ एक्टर, मुझे मतलब आपको आप काले सावले हो एंड यू आर लुकिंग चबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे मालूम है मैं चलती हूँ, मैं चलने वाली हूँ, आई एम एक्टर, आई एम मॉडल, मुझे इतना मालूम है, क्योंकि मतलब ये सब दिखावा, ये सब मतलब मुझे नहीं चाहिए कि मतलब मेकअप करो, गोरापन, ये सब मुझे भगवान ने जो दिया है, गॉड गिफ्टेड है, मैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो मुझे बनाया बहुत अच्छा बनाया है, बस इसी में मैं बहुत अच्छी खुश हूँ, मैं तो बहुत प्राउड ऑफ यू, भगवान ने मुझे ऐसे बनाया। अरे यू आर वेरी स्वीट। पता है दोस्तों, मैं बैठा हूँ,
कुछ आधे घंटे पहले, मैंने देखा यार कि क्यूट सी चुलबुली सी प्यारी सी लड़की है यार, एंड मुझे नहीं मालूम इसे क्यों ऐसा लग रहा है कि सावली है, शी सो फेयर, हालांकि रंग डजंट मैटर, पर्सनालिटी वो है जो आप अंदर से कैरी करते हैं, और अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आपके लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते, आपकी एक्टिंग स्किल, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क और आपका कहते हैं लगे रहना, आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं और आप लगे हुए हैं तो आप एक दिन वहां जरूर पहुंचते हैं। बिट्स यू आर वेरी प्रिटी एंड बिलीव मी, जो लोग ये कहते हैं ना ये कलर और इसकी बातें करते हैं उनको ना तुरंत कहना चाहिए पतली गली से निकल गए। नहीं नहीं, लाइफ में मैं एक बात आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको चाहे किसी ने सपोर्ट करे या फिर नहीं करे, आप बस अपनी मेहनत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, आपकी मेहनत को एक ना एक दिन जरूर फल मिलेगा। क्योंकि मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, ना कर रहे कोई, मुझे खुद अपना रोज जाना है, इस प्रोडक्शन से मिलो, उस प्रोडक्शन पे जाओ, मीटिंग करो, ऑडिशन करो, बस कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको, खुद अपना सपोर्ट सिस्टम मतलब खुद खड़े रहना होता है, खुद मेहनत करो, खुद के ऊपर मतलब विश्वास रखो, मेहनत करो, हिम्मत रखो बस। करेक्ट। अच्छा पायल मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ये फेस किया है जैसे बहुत सारे एक्टर्स को कहते हैं आप डाइटिंग करिए, आप मोटी हैं या पतली हैं, थोड़ी मोटी हो जाइए, कभी आपको किसी ने ज्ञान दिया है कि आपको भूखा रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे चबी बोला जाता है, मतलब थोड़ा फैटी बोलते हैं जिसको बोलना, मतलब जो डरता है मुझे डायरेक्ट बोलने के लिए फैटी, वो मुझे चबी बोल डालते हैं, मैं समझ जाती हूँ, मुझे खुद को भी लगता है कि कभी कभी मुझे कम होना चाहिए, बस टम्बी थोड़ा सा, तो उसकी वजह से मैं चबी लगती हूँ थोड़ा सा, आपको दिखता भी होगा थोड़ी चुलबुली हो। पर ऐसा नहीं होता है, बिलीव मी, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, कभी ये चीज मैटर नहीं करती कि आप पतले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, बटले हैं, कैसे हैं जी। आप ब्रह्मानंदम सर को देखिए, वो पर डे का 6 लाख रुपए लेते हैं, 365 डेज वो काम करते हैं, सबसे ज्यादा फिल्म्स का रिकॉर्ड है उनके पास। अमिताभ जी को रेडियो जॉकी में वहां पे उन्हें मना कर दिया गया था, आज उनकी आवाज की पूरी दुनिया फैन है। लता जी जब गाना गाना चाहती थी, किसी ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं, मैं सॉरी माफी चाहूंगी, कि उनकी आवाज बहुत पतली है, आज जो भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, इस दुनिया में किसी के भी लुक पर्सनैलिटी की या सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है। हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है। देखो सलमान खान बॉडी के लिए प्रसिद्ध है, शाहरुख रोमांस के लिए, और आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के लिए। तो लाइफ में सब कुछ एक्सेप्टेंस है यार। अगर कभी कोई बोले ना कि आप चबी हो, इग्नोर है। हाँ, मैं इग्नोर ही करती हूँ वैसे भी। यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, यू आर द बेस्ट, बिलीव मी, तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा पायल, अब हम ये शो यहाँ पे क्लोज करेंगे जी। उसके जाने के पहले अगर आप दर्शकों को कुछ बताना चाहती तो बता सकती हैं, और खत्म करने के पहले आप अपना प्लीज इंस्टाग्राम हैंडल सबको बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सके। या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है andreapp1234। अभी क्या बोलो, सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, बस खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक, और क्या ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी सभी को, लव यू ऑल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू पायल, तुम बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय गाइस।